Hi everyone. Okay, so hi everyone, my name is Vinita and I'm a verified educator on Unacademy, and this is the second lecture. वैसे तो environment and ecology के काफ़ी सारे MCQs की classes हो चुकी है YouTube channel of Unacademy के ऊपर. On the YouTube channel of Unacademy you can watch them, and also I'm taking live classes on Unacademy Plus. Unacademy Plus पे मेरे courses चल रहे हैं जिसमें से environment and ecology का course है जो कि 15th of March से start हुआ है. इसका एक क्रैश कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है जो कि 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा. सो क्लासेस आर गोइंग ऑन एंड यू कैन स्टिल जॉइन द क्लासेस. यू कैन स्टिल जॉइन अंडर द सब्सक्रिप्शन प्लान. ओके, मंथली, हाफ ईयरली एंड ईयरली प्लान के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो. यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड दैट इज़ MVinita450 एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट, 10% ऑफ ऑन एनी ऑफ द सब्सक्रिप्शन प्लान, बी इट मंथली, ईयरली एंड हाफ ईयरली. आज का टॉपिक एज सच कुछ नहीं है. बेसिकली वी विल डू MCQs बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी. कोई ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, बट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के MCQs हम करेंगे. और ज़्यादा जो डोमिनेटिंग वो रहेगा, सेक्शन रहेगा, वो स्पीसीज रहेगा. ठीक है, स्पीसीज, उनके कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड उनके स्टेटस. और ये क्लासेज चलेंगे इस मंथ, देर आर 10 सेशंस बेसिकली. और हर एक क्लास में हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का. इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेज, सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द सेशन एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज, लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मेडिसिनल प्लांट कूथ. मेडिसिनल प्लांट है ये, KUTH, कूथ. इसके बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. फर्स्ट ऑप्शन सेज दैट इट इज़ फाउंड इन कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश. Your second option is it is used as an anti-inflammatory drug and a component of the traditional Tibetan medicine as well. Third option says that the roots of the plant are used in perfumery purpose as well. मतलब perfumes वगैरह में भी इसको use किया जाता है. और वैसे anti-inflammatory drugs है तो एक Tibetan medicinal plant है basically. Select the correct answer. 1 and 2 only, 3 only, 1 only, all of the above is correct. हाय साक्षी, हाय हाय अंकित. सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. ना कूथ के बारे में, ये एक मेडिसिनल प्लांट है. सो लेट मी टेल यू द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. बेसिकली ये प्लांट जो आप देख रहे हो, इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ कोस्टस. ठीक है, सोसोरिया कोस्टस इसका साइंटिफिक नेम है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज कूथ. ये एक स्पेसिफिक नेम नहीं है, हर एक एरिया के हिसाब से अलग अलग नेम से जाना जाता है. जो फॉर इंस्टांस तमिल में इसको पोचुक बोलते हैं, गुजराती में इसको कुर बोलते हैं. ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं इस रिलेटेड, क्योंकि ये मेडिसिनल प्लांट है, इंपॉर्टेंट चीज़ है. ट्रेडिशनल मेडिसिन में इट इज़ यूज. इट इज़ नेटिव टू इंडिया, कम्प्लीटली नेटिव टू इंडिया. Essential oils extracted from the root have been used in traditional medicines and in perfumes since ancient times. Ancient period से इसको use किया जाता है, perfumes में भी use किया जाता है, also used in traditional medicine.
plant is cultivated as a medicinal plant. Its growing regions occurs mainly within India, Himachal Pradesh और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये नेटिव प्लांट है, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर. तो इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एंडेमिक प्लांट्स हैं, जैसे कि नीला कुरिंजी है और ये प्लांट है. सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, न्यूज़ में भी रहते हैं काफ़ी टाइम्स. ओके ओके अनन्या, बेसिकली ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर का नेटिव है. वैसे ये एंडेंजर्ड है, जितने भी प्लांट के स्पीसीज है ये मेडिसिनल, क्योंकि इनको यूज़ कर लिया जाता है मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने के लिए. आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ 2017 में. आपको पता होगा कि जो आपके एशियाटिक लायंस मिलते हैं गुजरात के गिर फॉरेस्ट में, जो कि गिर फॉरेस्ट के नेटिव हैं, इंडिया में एंडेमिक है वो. एंडेमिक का मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर जगह पर जो पाए जाते हैं. उसके बारे में आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट. ओके, सो CDV दैट इज कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, इट इज़ हाईली कंटाजियस डिजीज, जो कि अटैक करता है जो स्टमक एंड इंटेस्टिनल पार्ट होते हैं डॉग्स के, एनिमल्स के और जैकाल्स एट्सेट्रा, रेस्पायरेटरी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स इन एनिमल्स. एनिमल्स से रिलेटेड कंटाजियस डिजीज है ये. सेकेंड ऑप्शन से इज दैट इट इज़ मेनली फाउंड इन वाइल्ड डॉग्स, वॉल्व्स एंड जैकाल्स. The disease can be contracted by lions if they eat any animal infected by it. CDV is considered dangerous virus and is blamed for wiping out almost 30% of the population of African lions in East African forest. Fifth option says that the virus is blamed for the death of as many as 23 lions, जो कि इंडिया में पाए जाते हैं गुजरात के गिर सेंचुरी में, इन लेस देन ए मंथ, एक मंथ, विदिन ए मंथ 23 लायंस आर डेड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वायरस. 1, 2 and 4, 2, 3 and 5, 1, 2, 4 and 5, ऑल ऑफ द अबव. यस, इट इज़ ए डिजीज फ्रॉम डॉग्स, दैट इज राइट. इट्स नॉट हिमालयन यू बेसिकली आशुतोष, दैट्स अनदर प्लांट, दैट्स अनदर मेडिसिनल प्लांट जो कि हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में मिलता है. सो डू नॉट वरी, उससे रिलेटेड भी हम MCQs कवर करेंगे. यू जस्ट ट्राई टू आंसर वट एवर आई एम आस्किंग, ठीक है. तो अभी इसके बारे में आंसर करो मुझे. आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विच इज ट्रू अबाउट कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस. यस, लायंस आर डाइंग, दैट्स वट वट वॉज द न्यूज. यही न्यूज थी जिसकी वजह से ये कवर किया हुआ है यहाँ पर. देखो, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी बेसिकली, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. लायंस जो होते हैं, लायंस कैन बी डेड व्हेन दे ईट सच ए एनिमल विच इज इन्फेक्टेड विद दिस वायरस. कोई ऐसे एनिमल जो कि इससे इन्फेक्टेड हो, जब लायंस उसको कंज्यूम करते हैं, सो दे कैन बी डेड. ओके, 23 लायंस वर रिसेंटली रिपोर्टेड टू बी डेड इन गुजरात गिर सेंचुरी इन लेस देन ए मंथ. क्लियर, तो ये सही है, ये चारों ही सही है. इट्स इन्फेक्टेड ड्यू टू टिक, डेफिनेटली अंकित. देखो, इट्स इन्फेक्टेड ड्यू टू टिक, टिक्स के द्वारा. ये आई थिंक ऑल ऑफ द अबव, दे लुक, यस दे आर इंटरलिंक्ड, एंड इसीलिए ये डाली गई है. जस्ट वॉन्टेड टू इन्फॉर्म यू अबाउट दिस वायरस, इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़ में था. ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको ये बताना है कि विच वन इज सिमिलर अबाउट द अबव एनिमल्स. इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि सिमिलर है इन सारे स्पीसीज के बारे में. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज सिमिलर. सो पहला ऑप्शन है, दैट इज इंडियन ओरोस. इस सेकेंड ऑप्शन है सिवाथीरियम. थर्ड ऑप्शन है सुमात्रान राइनोसिरोस. एंड फोर्थ ऑप्शन इज पिंक हेडेड डक. सो आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विच कैरेक्टरिस्टिक डिफाइंस ऑल ऑफ देम. दे ऑल आर फाउंड इन एरिड रीजन्स. दे ऑल वर डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम इन इंडिया. दे ऑल आर एक्सटिंक्ट इन IUCN कैटेगरी एंड ऑल ऑफ द अबव. इसमें से कौन सा सही है. ये सारे स्पीसीज हैं बेसिकली, एंड ये इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं, और इनके बारे में ये बताना है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है जो कि चारों पे एप्लीकेबल है, चारों का मेन कैरेक्टरिस्टिक है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है.
Anybody else? Shashidhar? Okay, Sakshi C. Pratibha C. Yes, Ankush D. D is not the right answer. Sare isme sahi nahi hai. C is the right answer. Theek hai? C is the right answer. All right. Yes. देखो इसमें सी इज़ द राइट आंसर क्योंकि ये सारे ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं इंडिया के अंदर से. ये इंडियन ओरोस की स्पीसीज जो है पहले मिलती थी लेकिन अब नहीं मिलती है. इट वाज फाउंड इन हॉट एरिड रीजन ऑफ इंडिया. हॉट एरिड रीजन में मेनली ये पाई गई थी. और ये जो सिवाथेरियम की स्पीसीज है दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट टॉलेस्ट एंड मोस्ट फास्टेस्ट मॉन्स्टर जो कि एक तरह से डिस्कवर हुआ था. बट नाउ इट इज़ नॉट फाउंड इन इंडिया. ये पहली बार डिस्कवर हुआ था इंडिया के अंदर एंड दैट इज़ वाई लॉर्ड शिवा के नाम पर इसका नाम शिवा थेरियम रखा गया था. ये बेसिकली दिस आर फोर एनिमल्स जो कि वाइल्ड एनिमल्स हैं, एक्सटिंक्ट है. दे आर कंप्लीटली डिसअपियर्ड. ओके, एक्सटिंक्शन और मास एक्सटिंक्शन में आपको डिफरेंस पता होगा ना. और इसके अलावा एक और चीज़ में यहाँ पर आप मुझे बताओ कि स्पीसीज और एरिया के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है. वट इज़ द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप. आपने पढ़ा होगा ना कि बायोडाइवर्सिटी को प्लॉट किया जा सकता है. जैसे हम अपर लैटिट्यूड्स में जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती जाती है जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं. उसी तरह से स्पीसीज और एरिया के बीच में भी एक रिलेशनशिप होता है. वो मुझे बताओ क्या होता है. और सुमात्रान राइनोसिरोस जो है ये मैंने पढ़ाया था पहले भी, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और ये इंडिया में नहीं मिलता है. नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पहले मिलता था बट नाउ इट इज़ डिसअपियरिंग. उसके बाद पिंक हेडेड डक जो है, डक जो है, हिमालयन क्वेल एट्सेट्रा, ये सारे भी ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट ही हैं. सो दे आर ऑल एक्सटिंक्ट. ठीक है, दे आर ऑल एक्सटिंक्ट. रीजन्स अभी नहीं, अब मैं बता तो रही हूँ. हॉट एरिड रीजन में मिलता था. और शिवाथेरियम जो है ये वैसे इंडिया में डिस्कवर हुआ था. सुमात्रा राइनोसिरोस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. पिंक हेडेड डक हिमालयन क्वेल, ये हिमालय वाला जो रीजन है ऊपर अपर पार्ट में नॉर्थ इंडिया में बेसिकली मिलता था. ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. एरिड का मतलब है जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है. सीरियसली प्रीलिम्स जून में और आप पूछ रहे हो एरिड का क्या मतलब होता है. ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, हर जगह पर ये वर्ड यूज़ होते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. एरिड का मतलब होता है जहाँ पर रेनफॉल मिनिमम होती है, कम होती है, लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल. जैसे आपका जो थार डेजर्ट है एरिड रीजन है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान. Consider the following statements. Endemic species are those species of plants and animals which are found in a particular area. Second option आपका बे कहता है Indian bison या फिर Indian गोर जो कि एक cattle की species है. Indian giant squirrel and flying squirrel are endemic fauna of Panchmadi region. Panchmadi कहाँ पर है. धूपगढ़ highest peak है. Panchmadi region MP के अंदर है. ठीक है. One only, two only, both one and two, none of the above. हाँ तो देखो आपने सही बताया कि सर्टेन एरियाज़ के अंदर ना अगर एरिया ज़्यादा बड़ा होगा तो स्पीसीज उसके अंदर ज़्यादा एकोमोडेट होंगे. बट लेट मी टेल यू देयर विल बी एक सैचुरेशन पॉइंट. एक पॉइंट के बाद वहाँ पर और स्पीसीज एकोमोडेट होना बंद हो जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. तो वहाँ पर कॉम्पिटिशन होगा, डोमिनेंट स्पीसीज सर्वाइव करेंगे, अनस्टेबिलिटी होगी. और उसके बाद एक टाइम आएगा जब एरिया के हिसाब से स्पीसीज बढ़ेंगे नहीं, कॉन्स्टेंट हो जाएंगे. ठीक है, तो वो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप होता है. ओके, दैट स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप. यस, वन ओनली इज द राइट आंसर. तो मुझे बताओ कि ये इंडियन जायंट स्क्वायरल है और फ्लाइंग स्क्वायरल ये कहां पर पाए जाते हैं. यस, सेकेंड इज नॉट करेक्ट. इट इज़ फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया. कम्प्लीटली ट्रू. ये पंचमढ़ी रीजन में नहीं है, सेंट्रल इंडिया के अंदर ये नहीं है और ये पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में. सेंट्रल इंडिया के कौन कौन से स्पीसीज आप बता सकते हो. सेंट्रल इंडिया जो आपके मध्य प्रदेश के अंदर या फिर आपके छत्तीसगढ़ एट्सेट्रा एमपी के अंदर बेसिकली कौन से स्पीसीज पाए जाते हैं. एमपी के अंदर स्टेट एनिमल क्या है एमपी का. रिलेटेबल वी कैन से, रिलेटेबल वी कैन से, बट देर विल बी एक्सटेंट. पहले जो कर्व होगा वो इंक्रीज होगा बट देर विल बी ए पॉइंट जब ये कर्व इंक्रीज होना बंद हो जाएगा एंड नो स्पीसीज कैन बी एकोमोडेटेड इन दिस पर्टिकुलर रीजन नाउ. और इसके बाद यहाँ पर कॉन्स्टेंट हो जाएंगे नंबर ऑफ स्पीसीज बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑन रिसोर्सेज, हैबिटेट लिमिटेशंस की वजह से. आगे आपका क्वेश्चन आता है कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड यू हैव टू टेल मी कि कौन से प्लांट के बारे में ये बता रहा है. ठीक है, कौन से प्लांट के बारे में बता रहा है.
it is a medicinal plant. First of all, medicinal plant, it is found in various part of Himachal Pradesh and Arunachal Pradesh. A chemical compound, tell me the name of that chemical compound as well. Chemical compound extracted from the bark, needles, twigs and roots of this tree, and it has been successfully used to treat some cancers, cancer affected people, anti-cancer drug in the world. It is now, the drug is now the biggest selling anti-cancer drug in the world. Happy tree, Himalayan yew, May apple and Picato. Which one is right answer? कर्व आपको नहीं याद रखने हैं, कर्व आप छोड़ दो. बेसिकली कर्व मैं आपको ये बता रही थी कि एक पॉइंट पर वैसे तो इंक्रीज होंगे, कि एरिया जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा. एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे होता है, मतलब ऑलवेज इंक्रीजिंग ना, बट एक पॉइंट आएगा जब उसके बाद वो कॉन्स्टेंट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद स्पीसीज वहाँ पर एकोमोडेट फर्दर नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, हैबिटेट्स लिमिटेड है. यस, चीता जो है ना तीन जगह पर री इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा. एक तो नोरादेही सेंचुरी है जो कि एमपी के अंदर है, और एक कूनो सेंचुरी है. कूनो का क्वेश्चन आया था 2017 में, ये भी एमपी के अंदर है. तीसरी एक राजस्थान के अंदर है, तीसरी राजस्थान में एक सेंचुरी, तो वहाँ पर चीताज विल बी री इंट्रोड्यूस्ड. बिकॉज जो इंडियन चीता है इट इज एक्सटिंक्ट नाउ, इंडियन चीता इज एक्सटिंक्ट, बट जो एशियाटिक चीता है दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन स्टेटस. एशियाटिक चीता का IUCN स्टेटस जो है दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बट इंडियन चीता इज एक्सटिंक्ट, 1950 से एक्सटिंक्ट है. यस, बी इज द राइट आंसर हियर, हिमालयन यू. आपने केमिकल कंपाउंड का नाम नहीं बताया. केमिकल कंपाउंड इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसका एक स्पेसिफिक नेम है. यस, राजस्थान में के अंदर भी एक किया जाए. नॉट वेरी गुड, ऐसे कुछ नाम था. शागड रीजन. ओके, क्लियर, बी इज द राइट. हाँ, टैक्सोल. यस, सौभाग्या अग्रवाल, दैट्स राइट. टैक्सोल इज द केमिकल कंपाउंड विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्री. ठीक है, टैक्सोल केमिकल कंपाउंड. ओके, आगे आपका क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इन इंडिया हैज बीन कैप्ट इन द क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट. आपको बताना है CR लिस्ट में कौन कौन से है क्रिटिकली एंडेंजर्ड में. हिमालयन क्वेल, इंडियन वल्चर, साइबेरियन क्रेन, नामडाफा फ्लाइंग स्क्वायरल. करेक्ट आंसर आपको बताना है, 1 and 4 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, ऑल ऑफ द अबव. क्विकली टेल मी द राइट आंसर. सरिस्का नहीं है, मैंने आपको बताया ना, शागड़ है. शागड़ इन जैसलमेर राजस्थान, शागड़. ठीक है, कूनो है, शागड़ है, और एक आपका नोरादेही सेंचुरी है जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है. ये प्रोग्राम पहले से चल रहा है, बीच में स्टॉप कर दिया था, अभी फिर से उसको रीइंट्रोड्यूस करने की बात चल रही है. सो आउट ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज फाउंड इन इंडिया बेसिकली हैज बीन कैप्ट इन द क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन द IUCN लिस्ट. फर्स्ट इसमें डी वुड बी द राइट आंसर, ये सारे ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. यस, डी इज द राइट आंसर हियर, अंकित एंड विल ऑल, डी इज द राइट आंसर. साइबेरियन क्रेन,
साइबेरियन क्रेन इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, कौन बोल रहा है एंडेंजर्ड है? आई नो दैट और यू एंड यू आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट. ऑल आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड बेसिकली, ये सारे ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस में. हिमालयन क्वेल, इंडियन वल्चर, साइबेरियन क्रेन, नामडाफा फ्लाइंग क्वेल, जो कि आपके नामडाफा बायोस्फीयर रिजर्व, नामडाफा टाइगर रिजर्व में मिलती है. साइबेरियन क्रेन जो विजिट करती है इंडियन वल्चर एंड हिमालयन क्वेल का मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट है, ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट स्नो लेपर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्नो लेपर्ड, ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन इज ये क्वेश्चन ही साइबेरियन क्रेन की वजह से था, क्योंकि आपने रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि केवलादेव नेशनल पार्क के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है इतने ज़्यादा चेंज हो रहे हैं कि वहाँ पर क्रेन की स्पीसीज अब बहुत कम मिलती है. अबाउट स्नो लेपर्ड, इट्स IUCN स्टेटस इज अपग्रेडेड नाउ. अपग्रेडेड का मतलब होता है इट हैज़ इम्प्रूव्ड, कंजर्वेशन स्टेटस हैज इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन एफर्ट्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है. इसके अलावा इट इज स्टेट एनिमल ऑफ उत्तराखंड, ए ओनली, बी ओनली, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं, नन एक्चुअली, थ्री ऑप्शन, बोथ ऑफ द अबव, सी, फोर, एनीबडी एल्स? उत्तराखंड स्टेट एनिमल इज बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका स्टेटस अपग्रेड हुआ है. कैसे अपग्रेड नहीं हुआ? अर्लियर स्नो लेपर्ड वॉज क्लासिफाइड इन एंडेंजर्ड कैटेगरी, पहले एंडेंजर्ड कैटेगरी में था, नाउ इट इज़ क्लासिफाइड एज वल्नरेबल इन कैटेगरी, वल्नरेबल इन कंजर्वेशन स्टेटस. अभी ये वल्नरेबल में है, पहले ये एंडेंजर्ड में था, सो डेफिनेटली क्लासिफिकेशन जो स्टेटस है कंजर्वेशन स्टेटस वो इम्प्रूव हुआ है. क्योंकि याद करो कि सबसे पहले डेटा डेफिशियंट होता है, डेटा डेफिशियंट, उसके बाद लीस्ट कंसर्न नियर थ्रेट, लीस्ट कंसर्न नियर थ्रेटेंड, उसके बाद आपके आते हैं वल्नरेबल, उसके बाद एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, उसके बाद आपका एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, उसके बाद फाइनली द एक्सटिंक्ट. ऊपर जाते हैं तो कंजर्वेशन स्टेटस डिक्लाइन होता है. तो अभी एंडेंजर्ड से इट हैज़ मूव टू वल्नरेबल स्टेटस. तो फर्स्ट वन इज डेफिनेटली करेक्ट, इट इज स्टेट एनिमल ऑफ उत्तराखंड. नो, ये हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है, क्लियर? सो इसमें ए ओनली इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम जस्ट गिविंग यू टाइम द टू आंसर द क्वेश्चन, ताकि आप लोग आंसर करो, क्योंकि फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होती है कि टाइम नहीं मिल रहा आंसर करने का. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ब्लैक बक स्पीसीज. अच्छा, मुझे बताओ कि ब्लैक बक सेंचुरी कहाँ पर है, ब्लैक बक सेंचुरी, एंड चूज द करेक्ट वन. ब्लैक बक फॉर्मरली यूज टू ऑकर अक्रॉस ऑलमोस्ट द होल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट साउथ ऑफ द हिमालयस. हिमालयस से नीचे पहले ब्लैक बक जो थी इसकी साइजेबल पॉपुलेशन मिलती थी. ब्लैक बक्स आर स्टिल प्रेजेंट इन तराई जोन ऑफ नेपाल. दे आर प्राइमरीली ग्रेजर्स बट लैक ऑफ ग्रासेज फोर्सेज इट टू डिपेंड ऑन लीफ लिटर, फ्लावर्स एंड फूड्स. वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन एंड थ्री ओनली, ऑल ऑफ द अबव. देखो, ब्लैक बक से मुझे पता था आप लोग राजस्थान बोलोगे, क्योंकि आपने ग्रेट इंडियन बस्टार्ड की वजह से बोला है, उसी की वजह से बोला है ना. राजस्थान में नहीं है, कर्नाटका में इनके अंदर है, रानी बेन्नूर. ओके, सो लेट मी टेल यू द राइट आंसर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग दे डोंट नो. ओके, सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर बेसिकली हियर. ब्लैक बक की जो स्पीसीज है पहले ज़्यादा मिलती थी. IUCN स्टेटस बताओ मुझे ब्लैक बक का, IUCN स्टेटस.
सो फर्स्ट ऑप्शन इज डेफिनेटली राइट कि पहले ये काफ़ी जगह पर मिलते थे बट नाउ इट इज़ रेयरली फाउंड, मतलब रेयरली इन द सेंस की कमी मिलती है. और ब्लैक बक आर स्टिल प्रेजेंट इन द तराई जोन ऑफ नेपाल, दैट इज ऑल्सो राइट. प्राइमरीली ग्रेजर्स होते हैं, इनका सबसे बड़ा थ्रेट पता है क्या होता है, जो ग्रासेज होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन, स्क्रब लैंड जो श्रब्स होते हैं वहाँ पर ये मिलती है, तो मेनली जो छोटे मोटे ग्रासेज होते हैं वहाँ पर ये पाई जाती हैं. ठीक है, तो प्राइमरीली ग्रेजर्स होते हैं बट लैक ऑफ ग्रासेज की वजह से दे आर नाउ डिपेंडेंट ऑन लीफ लिटर फ्लावर्स एंड अदर फ्रूट्स एज वेल. रानी बेन्नूर ब्लैक बक सेंचुरी इज प्रेजेंट इन कर्नाटका, कर्नाटका के अंदर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गंजेज शार्क स्पीसीज. गंजेज शार्क के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है. इट इज़ ए क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज फाउंड इन इंडिया. गंजेज रिवर इज द ओनली हैबिटेट ऑफ गंजेज शार्क. फोकस ऑन द वर्ड ओनली. ओनली क्या है, मतलब यहाँ पर सिर्फ गंगा रिवर में मिलती है, अदर रिवर्स में, अदर हैबिटेट्स में भी ये पाई जाती है. इट्स फिन एंड इट्स जॉव्स आर यूज इन फॉर मीट एंड ऑयल, फॉर द पर्पज ऑफ मीट एंड ऑयल, सो हाई डिमांड में रहती है. और यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी हो सकता था, इट इज़ कवर्ड अंडर साइट्स कन्वेंशन एज वेल, और स्केड्यूल वन में कवर्ड है ये. वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन एंड थ्री ओनली, ऑल ऑफ द अबव, यस, बिकॉज ऑफ देयर ब्लैक कलर्स. ओके, सो ये बताओ मुझे कि गंगा के अलावा और कहाँ कहाँ पर मिलते हैं गंजेज शार्क. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वन एंड थ्री, सी आपका सही आंसर है, आपने सही समझा, ओनली शुड बी नेगेटिव हेयर. बात ये है कि ये ब्रह्मपुत्रा रिवर में, इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन ब्रह्मपुत्रा रिवर, इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन महानदी रिवर. ठीक है, मेनली जो घाट्स होते हैं जहाँ पर डेल्टाज होते हैं तो वहाँ पर ये मिलती है, ब्रह्मपुत्रा रिवर, महानदी रिवर, गंजेज शार्क. और ये स्टेट एनिमल भी है, आप बताओ कहाँ का है. सो वन एंड थ्री ओनली इज़ द राइट आंसर. सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है वैसे, और इसका ट्रेड किया जाता है, मीट एंड ऑयल के लिए इसको यूज़ किया जाता है. क्लियर, यस. आगे आपका क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ओलिव राइडले टर्टल्स. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. दे आर फाउंड इन वार्म एंड ट्रॉपिकल वाटर्स, प्राइमरीली इन द पैसिफिक एंड इंडियन ओशंस. पैसिफिक और इंडियन ओशंस में मिलते हैं, वार्म और ट्रॉपिकल वाटर्स के अंदर. दे अंडरगो सिंक्रोनाइज नेस्टिंग और मास नेस्टिंग नियर गहीर माता बीच. They are listed as critically endangered species under IUCN. 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. हाँ, ब्रह्मपुत्रा, महानदी etc. as well. Yes. डी 100% श्योर. सी 1 and 3. देखो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए बेसिकली. 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट हैं बट थर्ड वन इज नॉट करेक्ट बिकॉज दे आर नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, दे आर वल्नरेबल इन कैटेगरी. मैंने उसमें भी पहले जो क्लासेज हुई थी उसमें भी बहुत बार एम्फेसाइज किया था, ओलिव राइडले टर्टल्स आर नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, दिस आर वल्नरेबल इन कंजर्वेशन स्टेटस. ठीक है, IUCN लिस्ट में वल्नरेबल इनको कैटेगराइज किया गया है. दे अंडरगो मास नेस्टिंग नियर गहीर माता बीच. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ओनली लिख देती तो देन दिस ऑप्शन वुड हैव नॉट बीन करेक्ट, क्योंकि ओनली नहीं लिख सकते हैं बिकॉज इसकी जो मास नेस्टिंग होती है वो कई सारी साइट्स पे होती है, जैसे कि होप आइलैंड के ऊपर होती है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऋषिकुल्या रिवर के माउथ के ऊपर होती है, इसके अलावा देवी रिवर माउथ, और आपका जो ये इधर गहीर माता बीच तो है ही. ठीक है, तो ये सारे ऑल दिस आर द साइट्स फॉर ओलिव राइडले टर्टल्स मास नेस्टिंग. इसकी जो मास नेस्टिंग होती है उसका क्या क्या वर्ड है जो उसके लिए यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिक एक नेम होता है उसका, अब मुझे बताओ क्या होता है वो स्पेसिफिक, जो सिंक्रोनाइज नेस्टिंग होती है उसको क्या नेम किया जाता है, क्या वर्ड होता है उसके लिए. यस, वल्नरेबल इन कैटेगरी.
Next question, which of the following has been identified as critically endangered species? इनमें से कौन सा critically endangered है? मालाबार सिवेट और इसके अलावा पिग्मी होग, सुमात्रान राइनोसिरोस, एल्विरा रेट. उसके अलावा 1, 2, 3 ओनली, 2, 3, 4 ओनली, 1, 3, 4 ऑल ऑफ द अबव. हाँ, प्रोजेक्ट ओलिविया भी है, ऑपरेशन ओलिविया या प्रोजेक्ट ओलिविया, ठीक है, इनको कंजर्व करने के लिए. अरिबादा, डेफिनेटली अरिबादा इज राइट. इट्स ओके मार्वल, ऐसा कुछ नहीं, इतना कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. दिज आर बेसिकली टिपिकल क्वेश्चंस. इसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दी गई है क्योंकि ज़्यादा सेशंस नहीं होंगे ना, देर आर ओनली 10 सेशंस और अभी प्रीलिम्स भी आने वाला है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर एडिशनल फैक्ट्स आर कंसोलिडेटेड हियर. एक ही क्वेश्चन में कई सारे एडिशनल फैक्ट्स मैं यहाँ पर बता रही हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं क्वेश्चन, अदरवाइज दिज आर वेरी सिंपल. सी, अदर पीपल आर आंसरिंग हियर. ये जैसे अंकित है, साक्षी है, अनन्या है, ये काफ़ी टाइम्स क्लास अटेंड करते हैं, सो दे कैन आंसर लाइक ऑल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो आपको प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, री रिवाइज करो, धीरे धीरे याद होने लग जाएंगे चीज़ें. ठीक है, प्लीज राइट. देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मालाबार सिवेट, पिग्मी होक, सुमात्रा राइनोसिरोस, एल्विरा रेट, ये सारे ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं स्टेटस में. ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. मालाबार सिवेट कहाँ पर मिलते हैं? मेनली केरला वाला जो रीजन है. और इसके अलावा पिग्मी होक जो है ये मानस नेशनल पार्क के अंदर एंडेमिक है. सुमात्रा राइनोसिरोस का मैंने बताया था, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है बेसिकली. एल्विरा रेट की अभी लास्ट टू लास्ट ईयर न्यूज़ में नहीं था, तमिलनाडु के अंदर एल्विरा रेट की स्पीसीज मिली है, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस में है. क्लियर? सो ऑल ऑफ द अबव इज राइट. Which all species are important to remember for IUCN? Which all species? देखो important हर एक state का ना एक एक species, एक दो species आप याद करके रखो. State wise नहीं, area wise. जैसे northern India के अंदर कौन कौन से species पाए जाते हैं, north eastern हिमालयन में जैसे clouded leopard है, snow leopard है. इसके अलावा आपके जो कश्मीर वाला रीजन है उसके अंदर हंगूर का स्टेटस आपको पता होना चाहिए. और इसके अलावा आपके जब आप सेंट्रल इंडिया में जाते हो तो वाइट टाइगर की सेंचुरी है जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, ये फर्स्ट सेंचुरी है वाइट टाइगर की. इसके अलावा आपको ओलिव राइडलेट टर्टल्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गेंजेस रिवर डॉल्फिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज इंडिकेटर स्पीसीज, तो इसके बारे में पढ़ना आपको ज़रूरी है. घड़ियाल्स के बारे में पढ़ना जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, चंबल बे सेंचुरी है घड़ियाल की. इसके अलावा ग्रेट इंडियन बस्टार्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर बेसिकली, क्योंकि आपने रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि ओनली 50 स्पीसीज आर लेफ्ट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, जो कि 50 वर्ल्ड की 95% है, तो ये लगा लो बहुत कम स्पीसीज इसकी बची हुई है. इसके अलावा आपको जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, गोल्डन लंगूर वहाँ पर, हुलॉक गिबोन, ये सारे स्पीसीज, काजीरंगा के अंदर वन हॉर्न राइनोसिरोस, उसका IUCN स्टेटस आपको पता होना चाहिए. लॉकटक के अंदर शंघाई डियर है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. कैबू लामजाओ नेशनल पार्क फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, वहाँ पर वेजिटेशन डिक्लाइन होने की वजह से दैट डियर इज एंडेंजर्ड. तो एक तो इनसे रिलेटेड इनका IUCN स्टेटस याद रखो. और जो सदर्न इंडिया में है, एक तो नीलगिरी टार है, नीलगिरी टार, उसके अलावा लायन टेल्ड मकाक है, मालाबार सिवेट है, और ये सारे स्पीसीज आपको याद रखने हैं बेसिकली. इनका स्टेटस और इनको थ्रेट कौन सा है मेनली, किस किस की वजह से थ्रेटन्ड है. जैसे फॉर इंस्टांस गेंजेस रिवर डॉल्फिन जो है वो हाइपर सेलाइन वाटर में नहीं रह सकती है और पोल्यूटेड वाटर में भी नहीं रह सकती है. तो कहीं पर भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आप गेस कर लोगे ना कि यही दे दे कि गंगा का जो कंजर्वेशन प्लान है दैट विल डेफिनेटली रिस्टोर द पॉपुलेशन ऑफ गेंजेस रिवर डॉल्फिन, तो वो सही हो जाएगा. और इसके अलावा केवलादेव नेशनल पार्क और लॉकटक लेक जो आपके मॉन्ट्रुक्स रिकॉर्ड में है, तो उनके स्पीसीज आपको याद रखने जरूरी है. क्लियर?
Okay. Next question. What is Malthusian catastrophe? What is Malthusian catastrophe? First option is devastation of ecosystem by pollutants. Second option, an earthquake in Japan which destroyed all coastal vegetation. Third option, it is a prediction that population growth will soon outpace agricultural production, that there will be too many people and chasing too less food. None of the above is the correct answer. None of the above is the record. Yes, white tiger, Madhya Pradesh, Kashmiri. हाँ, इंडिकेटर स्पीसीज है, गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन इंडिकेटर स्पीसीज है. ये दिस इज क्वाइट सिंपल. ये इकोनॉमी में आपने टर्म पढ़ी होगी है या फिर न्यूज़ में भी रहती है. मल्थुसियन कैटास्ट्रोफ क्या होता है? इट इज़ ए प्रेडिक्शन दैट पॉपुलेशन ग्रोथ विल सून आउटपेस द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, दैट देयर विल बी टू मैनी पीपल एंड चेजिंग टू लेस फूड. ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर. क्लियर? हाँ, आगे आपका क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जायंट ऑफ अफ्रीकन स्नेल and choose the correct ones. Giant African snail, it is listed as one of the top invasive species in the world. It has become a cause of concern for farmers in Assam. This question is very very important. Ye aapke plantation crops se related hai. One only, two only, both one and two, neither one nor two. मल्थुसियन कैटास्ट्रोफ का मतलब मल्थुसियन क्रंच भी इसको हम बोल सकते हैं. तो ये कई तरीके से स्टेटमेंट दिस आ सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन इज सो पावरफुल एज कम्पेयर टू द अर्थ्स कैपेबिलिटी टू रिसाइकल द रिसोर्सेज. ठीक है, मतलब रिसोर्सेज उतने नहीं होंगे बट पॉपुलेशन का जो प्रेशर है इट इज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है. तो सून एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा और सारी जो पॉपुलेशन है उसके सब्सिस्टेंस पर्पज के लिए भी एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल हो जाएगा. मेनली वो है, वो चीज़ समझो. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर है? सी इज़ द राइट आंसर, बोथ वन एंड टू. देखो, पहली बात तो फर्स्ट वन इज़ करेक्ट. आपने गेस किया या आपको बता था, इट इज़ इन्वेसिव स्पीसीज. ये एक इन्वेसिव स्पीसीज है इन द वर्ल्ड. सेकंड ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट. ये आसाम के फार्मर्स के लिए नहीं, इट वाज बेसिकली अ कॉज ऑफ कंसर्न इन केरला. केरला के अंदर बनाना कल्टिवेशन में, कैशू कल्टिवेशन में दिस पर्टिकुलर इन्वेसिव स्पीसीज वॉज रिपोर्टेड. और ये वन ओनली इज़ द राइट आंसर हियर. सेकेंड वन इज़ नॉट राइट. ये बेसिकली प्लांटेशन क्रॉप्स को एक तरह से इन्वेड करता है. इन्वेसिव स्पीसीज का काम होता है इन्वेड करना, जहाँ पर नेचुरल बायोडाइवर्सिटी को ये थ्रेटन करता है. तो प्लांटेशन क्रॉप्स आपके ज़्यादातर किधर? नॉर्थ ईस्टर्न में मिलते हैं, बट नीचे जो बनाना क्रॉप्स हैं उसको ये मेनली वो था. क्लियर? This thing you have to remember. All right. Next question. Which of the following are the tipping points? इनमें से कौन सा tipping points है? Melting of Greenland ice, collapse of Antarctic glaciers, destruction of Amazon forest, all of the above. हाँ, हु आर नॉट एंडेमिक स्पीसीज. एंडेमिक भी नहीं बोल सकते हैं, मतलब ये नहीं बोल सकते कि जो एंडेमिक नहीं है वो सारे एग्जॉटिक स्पीसीज हैं. फॉर इंस्टांस, अगर मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दूँ कि कौन कौन से स्पीसीज एंडेमिक है इंडिया के, तो आप क्लासीफाई, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे? फॉर इंस्टांस मैं यहाँ पर आपको लिखूँ, लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल एशियाटिक लायन. सेकेंड ऑप्शन इज शंघाई डियर. थर्ड ऑप्शन इज वन हॉर्न राइनोसिरोस. फोर्थ
Fourth option is dugong, or you can say dugong or sea cow. If I ask you, out of the following options, which one is endemic to India? Endemic होना और exotic होना दो अलग अलग चीज़ें हैं. कोई एक species endemic नहीं है तो भी ज़रूरी नहीं है कि वो exotic species हो. Exotic invasive species वो होते हैं, मतलब एक ऐसे कहीं और से या तो introduce होते हैं या फिर खुद से भी लाए जा सकते हैं कि extra weed वगैरह grow ना हो तो उसके लिए, but वो invasive होते हैं कि वो वहाँ की natural biodiversity को threaten करते हैं. ठीक है, All of the above. Yes, all of the above is the right answer. Tipping points जो होते हैं ये एक type से threshold होते हैं. These are nothing but a saturation points beyond which the earth system are no longer able to stabilize. जैसे आपके natural वो होते हैं. The danger in crossing tipping points become higher with more warming. ज़्यादा warming की वजह से. For instance, melting of Greenland ice, जो कि ultimately क्या होगा? Ice क्या करती है? Reflect करती है sunlight को. तो उसकी वजह से ultimately वो reflection नहीं होगा, जिसकी वजह से warming होगी. Collapse of Antarctic glaciers, again the same reason. Destruction of Amazon forest, forest का जो die back होता है, वो भी यहाँ पर आता, तो वो भी आप tick करते, वो भी सही option होता है. Melting of all permafrost and so on. ठीक है, all are tipping point. Clear? Next question, एक second. Okay. आपने answer देख लिया शायद. Next question is, consider the following statements about global stock take. Which one is incorrect? You have to choose the incorrect statement. It refers to proposed 5-yearly review of the impact of climate change action undertaken by countries. Second option, under the Paris Agreement, each country has to present a climate action plan in every 10 years. Under the Paris Agreement, the first global stock take will take place in 2023. It will help the world to determine whether it needs to do more and how much more. कितना करना है, मतलब क्लाइमेट चेंज को कंटेन करने के लिए, और कैसे करना है. We cannot do something that inventing a machine is, but we can definitely restore CO2. CO2 restore कर सकते हैं, forestation कर सकते हैं, and CDP. Okay, देखो, first of all, it is not a it is not going to take place in 2023. First global stock take जो है वो 2023 में होगी. इसमें right answer जो है वो होगा 10 ईयर्स के ऊपर रिव्यू नहीं होगा, 5 ईयर्स के ऊपर, बेसिकली इसके अंदर 5 ईयर साइकिल के ऊपर रिव्यू होगा, 5 ईयरली रिव्यू होगा. इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एक्शन, फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक विल टेक प्लेस इन 2023. तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, एक सेकेंड, ऑप्शंस, लेट मी जस्ट चेक द ऑप्शंस. अंडर द पेरिस एग्रीमेंट ईच कंट्री हैज़ टू प्रेजेंट ए क्लाइमेट एक्शन प्लान एवरी 10 ईयर्स. Under the Paris Agreement, the first global stock take will take place in 2023. हाँ, 5-yearly review plan होगा 2023 में, first global stock take होगा. और इसके अलावा 5-yearly होगा. B would be wrong here. B is wrong here. हर एक कंट्री जो है every 5 years climate change का plan जो है वो present करेगा. ठीक है, alright. हाँ, बी, यस, इट्स मीटिंग टू, यस अंकित, इट्स बी, एक्चुअली बी होगा ये, क्योंकि 5 ईयर्स का प्लान होगा. यहाँ पर ये गलत आंसर लिखा हुआ, इट शुड बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट. मंगल जोड़ी इको टूरिज्म ट्रस्ट इज कम्युनिटी ओन्ड एंड मैनेज्ड वेंचर ऑन बैंक्स ऑफ पुलिकट लेक इन आंध्र प्रदेश. इट हैज़ वॉन प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड फॉर इनोवेशन इन टूरिज्म एंटरप्राइज. One only, two only, both, one and two, none of the above. Yes, incorrect answer is B basically. हमें incorrect ही बताना था. और
यस बेसिकली इसमें जो राइट आंसर होगा दैट वुड बी बी बिकॉज इट इज़ इन उड़ीसा. उड़ीसा ऑन द बैंक ऑफ चिलिका लेक उड़ीसा के अंदर है. यस समबडी हैज़ गिवन ऑल ऑफ यू आर करेक्ट ऑल ऑफ यू आर राइट. डोंट वरी जैसी में से क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब एक बार सोचो थोड़ा और रिवाइज करो आप. इट हैज़ वन प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड फॉर इनोवेशन इन टूरिज्म एंटरप्राइजेज. ओके सो बी इज़ द राइट आंसर बेसिकली. सो नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मोबाइलाइज यूअर सिटी प्रोग्राम. मोबाइलाइज यूअर सिटी प्रोग्राम के बारे में आपको बताना इनकरेक्ट कौन सा है. इट एम्स एट असिस्टिंग बेनिफिशियरी पार्टनर्स. बेनिफिशियरी पार्टनर्स कौन से कौन कौन है. नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट्स इन देयर प्रिपेरेशन ऑफ नेशनल अर्बन मोबिलिटी पॉलिसीज एंड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स एंड सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी प्लान्स. इट फैसिलिटेट्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्रेमवर्क कंडीशंस फॉर इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज. MYC is a part of international initiative which is supported by French and German governments. It was launched at 23rd conference of COP23 in December 2017. देखो जिसमें questions जो test series के questions होते हैं ना, कोई भी test series हो गई, कहीं पर भी MCQs होते हैं before the examination, definitely before the examination day, तो वो सारे ऐसे करो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा information मिल रही हो ताकि आपकी revision हो जाए उस चीज़ का revision. जैसे आज हमने species का revision कर लिया इतना अच्छे से, ओलिव रेडले टर्टल्स और कई सारे species का status आपको पता चला, उनमें से ही questions आपको मिल जाएंगे paper में. सो वट शुड बी द राइट आंसर. यस डी इज़ द राइट आंसर बेसिकली. ये COP21 में लॉन्च हुआ था ना कि COP23 में. COP21 में लॉन्च हुआ था, फ्रेंच और जर्मन गवर्नमेंट्स से सपोर्टेड है, इंटरनेशनल इनिशिएटिव का पार्ट है. और ये दो चीज़ें, पहली दो ऑप्शंस वैसे भी करेक्ट थे क्योंकि वही सब पॉलिसीज प्रोग्राम्स इन्वेस्टमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन नॉक्टिलुका एल्गी विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़. Consider the following statements about it, which one is incorrect. आपको incorrect बताना है. It is a parasite and occurs in patches or blooms in northern Arabian Sea. Its bioluminescence characteristic. Bioluminescent का मतलब होता है glowing in the dark, and that is why it has been named as sea sparkle. It also excretes large amount of ammonia, which causes massive fish mortality. Fourth option is scientists have found that it may be helpful in countering global warming. ऑलराइट देखो इसमें जो राइट आंसर है दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल डी इज़ द राइट आंसर हियर. इट ग्लोज बाकी सब सही है. डी क्या कह रहा है, साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट इट मे बी हेल्पफुल इन काउंटरिंग ग्लोबल वार्मिंग. दिस इज इनकरेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ ये सही है कि इट ग्लोज इन डार्क एंड दैट इज वाई इट इज नेम्ड एज सी स्पार्कल एंड इट इज़ अ पैरासाइट एंड ऑकर्स इन पैचेज और ब्लूम्स इन नॉर्थन अरेबियन सी. लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया इज रिलीज बिकॉज ऑफ इट विच कॉजेज मैसिव फिश मोर्टेलिटी. साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट ग्लोबल वार्मिंग इज ड्राइविंग प्रोलीफ्रेशन ऑफ नॉक्टिलुका एल्गी हार्मफुल एल्गी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोइंग ऑफ मुंबई बीचेज इन डार्क. ठीक है तो ये डी ऑप्शन इसका गलत है. इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं. वार्मिंग ऑफ ओशियंस ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिफरेंसेज अमंग लेयर्स ऑफ सी वाटर. जिस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, अपवर्ड ट्रांसपोर्टेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का. आपको पता है कि वो जो कोल्ड मिक्सिंग जो एक तरह से होती है, ठीक है, तो एकदम वाटर जो है मिक्स होता है, न्यूट्रिएंट्स जो है ऊपर सरफेस के ऊपर आते हैं. नीड डायटम्स ग्रोइंग इन सरफेस वाटर विच नीड बोथ सनलाइट एंड सिलिकेट टू बिल्ड देयर ग्लास स्केलेटन्स फेल टू थ्राइव व्हेन सिलिकेट इज इन शॉर्ट सप्लाई.
On other hand, ये जो नॉक्टिलुका एल्गी है, it remains in unaffected by the changes and prey on remaining diatoms. तो एक तरह से जो fish mortality है उसके लिए responsible होती है, fish food chain के एक तरह से disrupt करती है, and it is responsible for the decline of fisheries in the region. Okay. आगे आपको question आता है, consider the following statements about the vermin species. Which one is correct? If a species is declared vermin, that particular species cannot be hunted without restriction. Without restriction इसमें लिखा हुआ है. Section 62 of the Wildlife Protection Act 1972 empowers the center to declare them vermin for selective slaughter. For the period the notification is in force, such wild animals shall be included in Schedule 4 of the law. Schedule 4 of the law. ठीक है, depriving them of any protection under that law. देखो ये क्वेश्चन आई एम लीविंग फॉर टुमारो. टुमारो वी हैव अनदर सेशन और टुमारो द टाइमिंग फॉर द सेशन विल बी 9 PM. कल 9 बजे सेशन होगा. And then we will do MCQs based on organizations, in environmental organizations or environment ke basics ke baare mein MCQs hum attempt karenge. Tab tak aap ye wala question attempt karo, iska answer mujhe batana. Ek aur question main aapko deti hoon ki coral reefs ke threats to coral reefs. Coral reefs ko kon kon se threats ho sakte hain. In mein se out of these 3 options, there are multiple answers correct. Multiple correct is mein 1, 2, and 3. 3 options hain aapke. Pehla option hai shallow water. Shallow water is a threat to coral reef. Second option aapka hai low tides. Low tides is a threat to coral reef. Third option aapka hai let's say El Nino event. El Nino. So in tino mein se kon kon se which of the following are the threats to coral reefs. First option shallow water. Think about it. Corals कौन से zone में पाए जाते हैं उसके हिसाब से answer करना. Low tides, reason tides की उनको ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, क्योंकि tides की वजह से ही species वो जो है जो temperature है वो normal रहता है. और उसके बाद coral के पास क्या होती है, जू एक्सेंथला एल्की होती है जो कि क्या करती है, खुद से food prepare करती है, autotroph है. एल नीनो की वजह से कोरल रीफ्स अफेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं, तो ये तीनों में से मुझे बताना कि कौन कौन सा आंसर सही है. ओके, मल्टीपल करेक्ट है. देर आर मल्टीपल आंसर्स करेक्ट है. लेट मी टेल यू द ऑप्शंस. ऑप्शंस में लिख देती हूँ 1 and 2, बी ऑप्शन 2 and 3, सी ऑप्शन 1 and 3, एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. ऑल ओके, कोई एक सिंगल करेक्ट नहीं है, यहाँ पर 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं. ओके, लेट्स कंक्लूड द सेशन. वी विल मीट टुमारो एट द नॉट एट द सेम टाइम, 9 PM पर वी हैव द नेक्स्ट सेशन. ओके, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड थैंक्स अ लॉट फॉर द ग्रेट रिस्पॉन्सेज. ऑलराइट.